बढ़ई का बिजनेस, कारपेंट्री बिजनेस कैसे शुरू करें? कारपेंटर बिजनेस शुरू करने के लिए व्यापारी को लकड़ी को विभिन्न वस्तुओं में तब्दील करने की जानकारी होना आवश्यक है, लेकिन यदि व्यक्ति ये जानकारी नहीं भी हो तो वो कारपेंट्री बिजनेस शुरू करने के लिए इसकी ट्रेनिंग ले सकता है। और ग्रामीण इलाकों में देखा है, शायद आपने भी देखा होगा, बेरोजगार या कभी कभी काम पाने वाले कारपेंटर को। जी हाँ दोस्तों, कारपेंटर बिजनेस शुरू करने वाला व्यापारी इन कारपेंटर्स को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाकर उन्हें नियमित रोजगार दे सकता है। यदि व्यापारी के टारगेट कस्टमर स्थानीय लोग ही हैं, तो शुरुआत में इस बिजनेस को ग्रामीण इलाकों में बहुत कम निवेश के साथ शुरू किया जा सकता है। आज हम यहां आपको ऐसे ही व्यवसाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप 10वीं पास करके आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। कारपेंट्री बिजनेस या फर्नीचर बनाने का बिजनेस क्या है? आम भाषा में कारपेंटर को बढ़ई तो कारपेंट्री को बढ़ई गिरी कहा जाता है। इस बिजनेस में लकड़ी को किसी वस्तु जैसे कुर्सी, टेबल, बेड, दरवाजे, खिड़की, रोशनदान इत्यादि में तब्दील किया जाता है। इन्हें ग्राहक के ऑर्डर के हिसाब से या फिर स्टैंडर्ड साइज में तैयार किया जाता है और इस सामान को ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार मार्केट में बेचकर कमाई की जाती है। इसके अलावा बिल्डिंग, भवन, घर इत्यादि बनाने में भी कारपेंट्री के काम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बढ़ईगिरी व्यवसाय में बाजार का दायरा। बिना कारपेंटर्स के कोई घर, भवन या बिल्डिंग बनाना लगभग नामुमकिन है। हालांकि आजकल लकड़ी के अलावा लोहे, प्लास्टिक इत्यादि से भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। इसके बावजूद लकड़ी से बने फर्नीचर का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। कारपेंट्री बिजनेस की सहायता लिए बिना किसी प्रकार की कोई बिल्डिंग या घर को पूर्ण रूप से देना संभव नहीं है। इसके अलावा लोगों को अपने दिन प्रतिदिन के मेंटेनेंस हेतु भी कारपेंटर की जरूरत पड़ती है। फर्नीचर बिजनेस कैसे शुरू करें? सबसे पहले रिसर्च करें। अगर उद्यमी कारपेंट्री बिजनेस करने का मन बना चुका है तो सबसे पहले उसे अपने एरिया में इस व्यवसाय से बने वस्तुओं जैसे कुर्सी, टेबल, बेड, डबल बेड, अलमारी, खिड़की, रोशनदान, दरवाजों इत्यादि की मांग का जायजा लेना होगा। मांग का ब्यौरा करने के बाद ये जरूरी नहीं कि सारे कस्टमर्स आपसे ही सामान खरीदेंगे, इसलिए ये ब्यौरा करते वक्त आपको चाहिए कि आप अपने टारगेट कस्टमर्स की लिस्ट भी तैयार करें ताकि इससे इस बिजनेस से होने वाली कमाई का अंदाजा हो सके। प्रशिक्षण प्राप्त करें। हालांकि इस बिजनेस में आपको तकनीकी तौर पर ट्रेनिंग लेने की जरूरत इसलिए नहीं है अगर आप अपना बिजनेस कारपेंटर को नियुक्त करके करने वाले हैं, लेकिन अगर हम इसको एक अच्छा बिजनेस बनाने के नजरिए से देखें तो आपको इस बिजनेस के लिए ट्रेनिंग उतनी ही जरूरी है जितना अन्य बिजनेस के लिए जरूरी है। बिजनेस का नाम और टैक्स रजिस्ट्रेशन। वर्तमान में इंडिया में बिजनेस को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम जैसे स्टार्टअप इंडिया इत्यादि उठाए हैं, जिसमें व्यापारी को अनेक प्रकार से प्रोत्साहित किए जाने का प्रावधान है। लेकिन इन सबका लाभ लेने के लिए व्यापारी का बिजनेस रजिस्टर होना चाहिए। इसके अलावा व्यापारी को चाहिए कि वो टैक्स रजिस्ट्रेशन भी कराए, क्योंकि बिना टैक्स रजिस्ट्रेशन के कॉरपोरेट इत्यादि के साथ बिजनेस करना संभव नहीं। व्यापारी ने जिस भी जगह दुकान लेने के लिए चुनी है उसको चाहिए कि वो उस एरिया में मांग और अपने कस्टमर्स को पहचाने। छोटे स्तर पर कारपेंट्री बिजनेस करने के लिए कारपेंटर्स को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। अब जिस भी लोकेशन को व्यापारी ने अपने बिजनेस के लिए चूज किया है वहां पर उसको अपनी आवश्यकता अनुसार जगह रेंट पर या फिर खरीदनी पड़ेगी। टूल्स, उपकरण खरीदें। कारपेंट्री बिजनेस में बहुत सारे हैंड टूल्स के अलावा कुछ पावर टूल्स भी उपयोग में लाए जाते हैं, जिनके कारण कारपेंटर किसी भी लकड़ी को किसी भी वस्तु का रूप देने में कामयाब हो पाता है। टूल्स खरीद करने के बाद व्यापारी को चाहिए कि वो कच्चा माल खरीद कर दुकान पर रख ले ताकि कारपेंटर्स नियुक्त किए जाने के बाद काम शुरू हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।